नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा में पेट्रोल पंप पर सोमवार सुबह 6 बजे से लेकर के मंगलवार सुबह 6 बजे तक 24 घंटे की हड़ताल के ऐलान के बीच रिलायंस पेट्रोल पंप खुले रहने की एक बड़ी खबर सामने आई है। हरियाणा के टोहाना रिलायंस पेट्रोल पंप के संचालक अजय गोयल ने बताया कि जिन मांगों को लेकर के हरियाणा पेट्रोल पंप डीलर्स और एसोसिएशन तथा पेट्रोल पंप संचालक हड़ताल करने जा रहे हैं, उन मांगों से संबंधित नियम रिलायंस पर लागू नहीं होते, क्योंकि रिलायंस एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी है और इसके पंप प्राइवेट सेक्टर के अंदर आते हैं। इसलिए रिलायंस पेट्रोल पंप सोमवार होने वाले किसी भी हड़ताल का हिस्सा नहीं होंगे, इसलिए सारे पंप रिलायंस के खुले रहेंगे। हालांकि पेट्रोल पंप एसोसिएशन द्वारा जिन मांगों को लेकर के हड़ताल की जा रही है, उन मांगों का रिलायंस पेट्रोल पंप के संचालक समर्थन करते हैं। इस बात से भी वे सहमत हैं कि उठाई जा रही मांगों को भारत सरकार और हरियाणा सरकार तुरंत प्रभाव से सुने, मांगों को पूरा किया जाए। वहीं टोहाना रिलायंस पेट्रोल पंप के संचालक अजय गोयल ने बताया कि रिलायंस पेट्रोल पंप एक प्राइवेट कंपनी है और दूसरे पेट्रोल पंपों के संचालक जिन मांगों को उठा रहे हैं, वे रिलायंस पर लागू नहीं होते हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में भी टैक्स के दाम घटाने से तेल के दाम भी कम हुए हैं। तेल के दाम कम होने की वजह से पेट्रोल पंप संचालकों को कमीशन में घाटा हुआ है, उनकी पूर्ति के लिए सरकार उचित कदम उठाए। 2017 के बाद पेट्रोल पंप के डीलरों का कमीशन भी नहीं बढ़ाया गया, इसलिए महंगाई को देखते हुए सरकार को यह कमीशन बढ़ाने की ज़रूरत है। इसके अलावा बेस ऑयल की बिक्री काफ़ी मात्रा में कई पेट्रोल पंपों पर, इसको लेकर के नकली डीजल बिक रहा है, जिस पर सरकार को तुरंत रोक लगानी चाहिए, क्योंकि नकली डीजल बिकने से मशीनरी खराब हो जाती है और दूसरी तरफ पेट्रोल पंप के संचालकों को काफ़ी नुकसान भी होता है। पल पल फतेहाबाद से राजेश भांबू की खास रिपोर्ट। अब बताइए, आप रिलायंस पेट्रोल पंप के मालिक हैं, बताएं कि जो कल हड़ताल होने वाली है, हड़ताल में आप शामिल होंगे या नहीं? हड़ताल जो हो रही है, जो उनके मुद्दे तो काफ़ी हद तक बहुत ही सही है, जिन पे हरियाणा गवर्नमेंट और इंडिया गवर्नमेंट को कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन जो रिलायंस पंप की बात स्ट्राइक के मामले में है, क्योंकि ये एक प्राइवेट कंपनी है और हमारे हाथ बंधे हुए हैं, और लेकिन दूसरी बात जो यहाँ की एसोसिएशन है वो PSU की एक होती है और रिलायंस की एक होती है, इन्होंने अभी तक हमारे पास ऐसा कोई मैसेज, जैसे पंपनेट दूसरे पंपों पे आया है, हमारे पास कोई संदेश नहीं आया कि आप भी पंप बंद कीजिए। तो क्या आपके ये किन मामलों पे जो है ना ये हड़ताल हो रही है? हड़ताल के जो मुद्दे हैं, पंजाब के अंदर जो टैक्सीज है पंजाब गवर्नमेंट ने काफ़ी घटा दिए हैं और हरियाणा में काफ़ी अप है। हम भी चाहते हैं कि हरियाणा के किसान हरियाणा के उपभोक्ता को पंजाब के समान सस्ते रेट पे डीजल और पेट्रोल मिले। दूसरा, एक आज के दिन बेस ऑयल चंदा हुआ है, जिसको हम दूसरी भाषा में डुप्लीकेट डीजल कह सकते हैं, जो कि कुछ पंपों पे काफ़ी आम मात्रा में बिक रहा है और सरकार कार्रवाई नहीं कर रही, उससे मशीनरी को नुकसान होता है, और सरकार से ये विनती करते हैं कि बेस ऑयल के मामले में जितनी भी जल्दी से जल्द हो सके इस पर बैन लगाया जाए और इसको किसी पंप पे बिकना दीजिए। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि रिलायंस पंप की जो ऑनलाइन सिस्टम है उसके ऊपर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर बेस ऑयल नहीं बेच सकता, ये दूसरे पंप पे इन पे बिक रहा है। तो ये हड़ताल का यही कारण बेस ऑयल और बेस ऑयल टैक्सी और जो सरकारी कंपनी है उनके कमीशन के मामले का भी कुछ चक्कर है। 2017 से इनका कमीशन नहीं बढ़ा है, जो कि बड़ा महंगाई को देखते हुए और लागत को देखते हुए PSU पंपों के कमीशन बढ़ाने चाहिए।